हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम लोग इस वीडियो में देख रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमपी सिविल जज के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार कब शुरू हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत रत्न पुरस्कार कब शुरू हुआ था। आपके एग्जाम में पुरस्कार से रिलेटेड एक आध क्वेश्चन आ सकता है, चाहे वो भारत रत्न पुरस्कार हो, नोबेल पुरस्कार हो, दादा साहब फाल्के पुरस्कार हो, ऑस्कर अवार्ड्स हो, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो भारत रत्न पुरस्कार कब शुरू हुआ था, पहला ऑप्शन है 1954, दूसरा ऑप्शन है 1991 और तीसरा ऑप्शन है 2000। तो भारत रत्न पुरस्कार कब शुरू हुआ था। भारत रत्न पुरस्कार भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है और यह शुरू हुआ था 1954 में। तो तीन व्यक्तियों को पहली बार यह पुरस्कार दिया गया था और अभी जो लास्ट में जब यह पुरस्कार दिया गया तो जब भी तीन व्यक्तियों को दिया गया, और 2019 में दिया गया, उसके बाद अभी यह पुरस्कार नहीं दिया गया। तो इसका राइट आंसर क्या है, 1954। तो भारत रत्न पुरस्कार कब शुरू हुआ था, पहली बार कब दिया गया, तो 1954 आपको इसका राइट आंसर लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले सहकारिता मंत्री कौन बने हैं। तो भारत का कुछ भी जब पहला बनता है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, जैसे CDS भारत के जब पहले बने थे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी पूछ गए अन्य एग्जाम में। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि भारत के पहले सहकारिता मंत्री कौन बने हैं। तो अमित शाह भारत के पहले सहकारिता मंत्री बने हैं, यानी कॉपरेशन मिनिस्टर। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि हु इज़ द फर्स्ट कॉपरेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो अमित शाह इज़ द फर्स्ट कॉपरेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और अमित शाह गृह मंत्री भी हैं, यानी होम मिनिस्टर भी हैं और सहकारिता मंत्री भी हैं अमित शाह। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अभी न्यूज़ में है क्योंकि इसका नाम चेंज कर दिया गया है। अब यह हो गया है हॉकी के जादूगर के नाम पर, यानी मेजर ध्यानचंद के नाम पर इसका नाम अब बदल कर हो गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो पहली बार यह पुरस्कार कब दिया गया, पहली बार यह पुरस्कार किसे मिला, तो इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो और चार ऑप्शन है इसमें, नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू, विश्वनाथन आनंद और सचिन तेंदुलकर। तो पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार तो यह मिला था विश्वनाथन आनंद को, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, विश्वनाथन आनंद को यह पुरस्कार मिला था। विश्वनाथन आनंद को पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था, और यह पुरस्कार कब मिला यह क्वेश्चन भी आ सकता है, तो 1991 में। तो नीरज चोपड़ा है ऑप्शन में, तो इन्हें नीरज चोपड़ा को इस वर्ष खेल रत्न पुरस्कार मिला, इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता ओलंपिक में, तो जेवलिन थ्रो भाला फेंक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। नेक्स्ट है, दांडी मार्च यात्रा कब से कब तक हुई थी। तो दांडी मार्च यात्रा इंपॉर्टेंट है, और जिस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि पूछ सकते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब हुआ था, या क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, और खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ, चंपाकरण सत्याग्रह कब हुआ, इंपॉर्टेंट इस टाइप से क्वेश्चन दे देते हैं। तो दांडी मार्च यात्रा कब से कब तक हुई थी, तो 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक दांडी मार्च यात्रा हुई थी। अभी ये करंट में न्यूज़ में भी था। तो दांडी मार्च यात्रा कब से कब तक हुई थी, तो 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930। यह क्वेश्चन भी आ सकता है, कितने दिन तक यह चली, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट है सही सुमेलित कीजिए, यानी आपको करेक्ट बताना है। तो पहला है G20 इंडोनेशिया बाली, दूसरा है G7 जर्मनी में, और जर्मनी होस्ट करेगा, COP27 इजिप्ट होस्ट करेगा, और ब्रिक्स चाइना होस्ट करेगा। तो इसमें आपको करेक्ट बताना है, G20 में 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है, और G7 में 7 देश हैं, रूस हट गया है, पहले है G8 था, COP27 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 नंबर की समिट है, इसलिए इसका नाम 27 है, और ब्रिक्स ब्राजील रूस इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका इसमें है। तो ठीक है, तो G20 जो होस्ट करेगा 2022 में इंडोनेशिया करेगा, तो बिल्कुल सही है, और 23 में 2023 में भारत करेगा, और G7 जर्मनी 2022 होस्ट करेगा, G7 बिल्कुल सही है, और COP27 इजिप्ट करेगा, ये भी बिल्कुल सही है, और ब्रिक्स चाइना होस्ट करेगा, तो चारों ही बिल्कुल सही हैं। तो इसका राइट आंसर मतलब ऑल ऑफ दीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मेरी 51 कविताएँ लिखी, और ग्वालियर में इनका जन्म हुआ। 1998 में पहली बार यह भारत के प्रधानमंत्री बने। तो मेरी 51 कविताएँ लिखी अटल बिहारी वाजपेयी ने, ग्वालियर में इनका जन्म हुआ, मध्य प्रदेश से संबंधित थे, और 1998 में पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने। तो अटल बिहारी वाजपेयी तीन बार भारत के प्रधानमंत्री बने, जो परमाणु परीक्षण हुआ था इनके काल में हुआ था वो पूछा जाता है, उस समय मतलब कौन भारत के राष्ट्रपति थे, कौन प्रधानमंत्री थे, कितने तारीख को मतलब हुआ था। तो परमाणु जो परीक्षण हुआ था पोखरण में, जो 11 और 13 मई को हुआ था। तो अटल बिहारी वाजपेयी का संबंध मध्य प्रदेश से, इसलिए क्वेश्चन आते हैं। मध्य प्रदेश से जो फेमस पर्सनैलिटी हैं उनसे क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी है, शंकर दयाल शर्मा है, और कैलाश सत्यार्थी हैं, सुषमा स्वराज हैं। तो आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखेंगे, जो उन्होंने क्वेश्चन पूछे इसी टाइप से पूछे कि भारत का अगर कोई यानी मध्य प्रदेश का कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बना या प्रधानमंत्री बना या जस्टिस वगैरह में, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं।
अटल बिहारी वाजपेयी से रेगुलर क्वेश्चन आए हैं, दो तीन मतलब आप देखेंगे उनसे एक बार पूछा था सुशासन दिवस कब मनाया जाता है क्योंकि इन्हीं के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। इसके अलावा और इन्हें कब इन्हें भारत रत्न दिया गया अटल बिहारी वाजपेयी को, वो इस टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट है विच केस इज रिलेटेड टू राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड यानी निजता के अधिकार से संबंधित कौन सा मामला है। पहला मिट्ठू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, दूसरा है केहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तीसरा है रिटायर्ड जस्टिस के एस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का मामला है 9 जजेस बेंच 30 में, और चौथा है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो मेनका गांधी आपने सुना होगा 1978 के आसपास का है कॉन्स्टिट्यूशन में, और केहर सिंह वाला कॉन्स्टिट्यूशन आईपीसी में आपने पढ़ा होगा, मिट्ठू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब आपने इसमें पढ़ा होगा आपने आईपीसी में, 303 आपने 303 सेक्शन पढ़ी होगी जो धारा 303 है इंडियन पेनल कोड भारतीय दंड संहिता की। क्वेश्चन क्या है, कौन सा मामला राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड है, तो राइट टू प्राइवेसी किस आर्टिकल में है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो इसका राइट आंसर है रिटायर्ड जस्टिस के एस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये राइट टू प्राइवेसी यानी निजता के अधिकार से रिलेटेड है और इसमें 9 जजेस बेंच थी। क्वेश्चन आ सकता है कि रिटायर्ड जस्टिस के एस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कितने जजेस की बेंच थी, क्योंकि अब इस टाइप से क्वेश्चन आने लगे हैं आपसे जीके में या कॉन्स्टिट्यूशन में पूछ सकते हैं कि मेनका गांधी केस में कितने जजेस की बेंच थी, केस में नंद भारती केस में कितने जजेस थे, और इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा गलत है। पहला है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का इंडिया का लक्ष्य है 2024 तक, दूसरा है टीवी फ्री इंडिया का जो टारगेट है 2025 तक का है, तीसरा है वाटर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड ए टारगेट है इंडिया का 2024 तक, तो और चौथा है नन यानी सभी सही हैं कोई भी गलत नहीं है। तो पहला है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी 2024 बिल्कुल सही है भारत का जो टारगेट है 2024 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, दूसरा इंडिया का टारगेट है टीवी फ्री और ये 2025 तक बिल्कुल सही है, तीसरा है वाटर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड यानी जो पाइप से पानी हर मतलब रूरल हाउस होल्ड में ग्रामीण क्षेत्र में 2024 तक 2024 तक, तो ये तीनों बिल्कुल सही हैं तो इसमें से कोई भी गलत नहीं है। तो अपन को बताना था विच ऑफ दीज इज इनकरेक्ट, सो नन ऑफ दीज इज इनकरेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपको बताना है विच ऑफ दीज इज करेक्ट, सो पहला है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त, दूसरा है पराक्रम दिवस 23 जनवरी, और तीसरा है राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त जो कि मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, चौथा है विजय दिवस 16 दिसंबर। तो विच ऑफ दीज इज करेक्ट, पहला बिल्कुल सही है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पहली बार मनाया गया 2021 में 14 अगस्त को बिल्कुल सही है, दूसरा है पराक्रम दिवस 23 जनवरी पिछले वर्ष पहली बार मनाया गया सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर, और नेक्स्ट है राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त ये भी बिल्कुल सही है मेजर ध्यानचंद के नाम पर ये मनाया जाता है और मतलब और इसके अलावा इनके जन्म दिवस पर यह मनाया जाता है। इसके अलावा एक और कौन सा है विजय दिवस, तो विजय दिवस 16 दिसंबर ये बिल्कुल सही है, चारों बिल्कुल सही हैं। आपसे इस टाइप से एक आध क्वेश्चन आपसे डेज का आ सकता है, एमपी सिविल जज में पूछ सकते हैं कि विजय दिवस कब मनाया जाता है, एक और आपसे करगिल विजय दिवस भी पूछा जा सकता है, सुशासन दिवस वगैरह, तो इंपॉर्टेंट डेज हैं ये आप पढ़ लीजिए, एक आध क्वेश्चन आपका पक्का हो सकता है अगर एग्जाम में आएगा तो। नेक्स्ट है इनकरेक्ट, इनमें आपको बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। तो पहला है S-400, इसमें यानी इस देश S-400 से यह देश संबंधित है, सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है, 2036 तक इस देश ने मतलब ऐसी प्रोविजन की है कि यहाँ के राष्ट्रपति रहेंगे, तो रूस इसका मतलब ऑप्शन है, अपन को अब इसमें राइट बताना है। नेक्स्ट है चिनूक अपाचे ऐसे यह देश संबंधित है, चिनूक अपाचे क्या है हेलीकॉप्टर हैं, क्वाड का यह मेंबर है, क्वाड में 4 देश हैं भारत जापान ऑस्ट्रेलिया अमेरिका, और डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट हैं इस देश के जो बाइडन, तो यह देश है इजराइल, तो अपन देखेंगे इसमें कौन सा राइट है। नेक्स्ट है 50 ईयर इंडिपेंडेंस, इस देश ने स्वतंत्रता दिवस के 50 वर्ष पूरे किए, शेख हसीना प्रधानमंत्री हैं, भारत का पड़ोसी देश है, लार्जेस्ट भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा साझा करता है, तो इसका ऑप्शन में आंसर है बांग्लादेश। नेक्स्ट है इंडिया नेवर, इंडिया का पड़ोसी देश है, शेर बहादुर देवबा यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, और वॉलीबॉल यहाँ का नेशनल गेम है, और इंडिया से यह रिलेटेड है, इंडिया अभी न्यूज़ में था काला पानी लिपू लेक ओलंपिया धुरा से, यह देश है नेपाल, तो इसमें अपन को क्या बताना है विच ऑफ दीज इनकरेक्ट। तो पहला बिल्कुल सही है, देखिए रूस S-400 से रिलेटेड है, S-400 एक एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, और रूस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है, 2036 तक यहाँ के जो राष्ट्रपति रहेंगे व्लादिमीर पुतिन, ऐसा इन्होंने मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज किया था, तो पहला बिल्कुल सही है। दूसरा चिनूक अपाचे इंडिया ने लिए हैं, और क्वाड का मेंबर है देश, और डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर इजराइल है, यह गलत है। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा अमेरिका, अमेरिका इसका राइट आंसर है, इजराइल के प्रधानमंत्री हैं नेफ्ताली बेनेट, और जो बाइडन कहाँ के हैं तो अमेरिका के, तो दूसरा ऑप्शन इनकरेक्ट है। और तीसरा 85 ईयर स्वतंत्रता दिवस के पूरे किसने किए, भारत के पड़ोसी तो बांग्लादेश ने, भारत और शेख हसीना वहाँ की प्रधानमंत्री हैं, सबसे लंबी सीमा रेखा भारत के साथ कौन सा देश साझा करता है, तो बांग्लादेश। चौथा ऑप्शन था भारत का पड़ोसी देश है, और शेर बहादुर देवबा यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, वॉलीबॉल यहाँ का राष्ट्रीय खेल है, और काला पानी लिपू लेक ओलंपिया द्वारा जो भारत में है ये संबंधित थे, तो नेपाल डिस्प्यूट वगैरह अभी चल रहा था न्यूज़ में, तो इसका राइट आंसर भी ये सही है। तो
इसमें इनकरेक्ट बताना था तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है सही सुमेलित कीजिए। अब इसमें सही सुमेलित करना है, पहला है एमपी, तो एमपी डायमंड सोयाबीन फॉरेस्ट टाइगर और लीपर्ड में पहले स्थान पर है, यानी सबसे ज़्यादा डायमंड मतलब पाया जाता है और डायमंड निकलता है। तो आपको पता ही है कि मध्य प्रदेश को डायमंड स्टेट या हीरा स्टेट कहते हैं, सोयाबीन मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, मध्य प्रदेश को सोया स्टेट कहते हैं, और फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है एरिया वाइज, और टाइगर मध्य प्रदेश को आपको पता है टाइगर स्टेट भी कहते हैं, और लीपर्ड यानी तेंदुआ भी सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। तो पहला बिल्कुल सही है, डायमंड सोयाबीन फॉरेस्ट टाइगर लीपर्ड में मध्य प्रदेश एमपी का फर्स्ट स्थान है देश में। दूसरा है यूपी, यूपी वीट प्रोडक्शन में पहले स्थान पर है, पॉपुलेशन वाइज फर्स्ट रैंक पर है, शुगर केन में प्रोडक्शन में फर्स्ट रैंक है, और मैंगो यानी आम के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, और रामसर साइट सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में। तो सही जो मिले बताना है तो दोनों सही हैं, एमपी में डायमंड सोयाबीन फॉरेस्ट टाइगर लीपर्ड में एमपी फर्स्ट है, बीट पॉपुलेशन यानी गेहूँ जनसंख्या, शुगर केन गन्ना, मैंगो आम, और रामसर साइट यानी रामसर स्थल जो वेटलैंड साइट होती है तो उसमें यूपी में सबसे ज़्यादा है, तो यूपी राइट है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है गेहूँ उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है, एमपी दे देंगे, यूपी दे देंगे, महाराष्ट्र दे देंगे, और छत्तीसगढ़ दे सकते हैं आप। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एमपी सिविल जज के लिए, 2021 में कितने खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। तो इसका अभी पुरस्कार का नाम चेंज किया है तो ये क्वेश्चन यह बन सकता है। इसके अलावा कितने खिलाड़ियों को दिया गया, तो 12 खिलाड़ियों को 2021 में खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। तो जो 12 खिलाड़ी हैं इनसे आपसे अब डिटेल में क्वेश्चन इस टाइप से आ सकता है, 12 में से कोई भी खिलाड़ी वो ले लेंगे, जैसे अवनी लेखरा हैं और प्रमोद भगत हैं पूछ लेंगे, जो सौम्या तंतल हैं इनका किस खेल से संबंधित हैं, कृष्णा नागर जिन्हें अभी हाल ही में खेल रत्न पुरस्कार दिया गया ये किस खेल से संबंधित हैं, या मनप्रीत सिंह का संबंध किस खेल से है। तो जो 12 खिलाड़ी हैं आपको पता होना चाहिए किस खेल से संबंधित हैं। विच ऑफ दीज इज करेक्ट, आपको बताना कौन सा सही है। तो पहला है पेटीएम के चेयरमैन है विजय शेखर शर्मा, दूसरा है यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की, तीसरे हैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर नए बने हैं बी अनंत नागेश्वरन, या चौथा है किरण रिजिजू लर्न जस्टिस। तो कौन सा सही है, तो पहला पेटीएम के चेयरमैन विजय शेखर शर्मा बिल्कुल सही है, पेटीएम न्यूज़ में था अभी आईपीओ से रिलेटेड इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसके अलावा यूक्रेन प्रेसिडेंट अभी न्यूज़ में थे, आपको पता है यूक्रेन रूस मैटर चल रहा है तो आपको पता होना चाहिए यूक्रेन और रूस रिलेटेड, यूक्रेन कहाँ आता है और रूस कहाँ आता है यानी किस कंटिनेंट में आते हैं, और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति वगैरह, और थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए करेंसी वगैरह का। तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट बिल्कुल सही है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर नए बने हैं बी अनंत नागेश्वरन और किरण रिजिजू लॉ एंड यूनियन लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर हैं। तो चारों इसमें सही हैं, तो चारों ऑल ऑफ दीज राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के प्रेसिडेंट कौन है, आईसीजे। आईसीजे के देखो पहले पूछे जाते हैं हेडक्वार्टर कौन है, आईसीजे में कितने जजेस हैं, उनका टर्म कितना है, अब थोड़े डिटेल में क्वेश्चन आ सकते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के प्रेसिडेंट कौन है, तो जॉन डोनग्यू हैं, DONOGHUE जॉन डोनग्यू हैं जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के प्रेसिडेंट हैं। और क्वेश्चन इस टाइप से अब आने लगे हैं कि कुलभूषण जाधव जो केस था उसमें भारत की तरफ से यानी कौन पेश हुआ था, मतलब प्लीडर कौन था, तो इस टाइप से जैसे हरीश सालवे थे इस टाइप से क्वेश्चन भी अब आने लगे हैं कि आईसीजे में जो केस हुआ था इंडिया की तरफ से तो उसमें कौन वो थे। नेक्स्ट है बी, नेक्स्ट है आपको बताना है विच ऑफ दीज इज करेक्ट, तो वीवो प्रो कबड्डी 2022 किसने जीती और आईपीएल 2021 का टूर्नामेंट किसने जीता, ओलंपिक में टॉप गोल्ड मतलब कंट्री विनर कौन था। तो वीवो प्रो कबड्डी 2022 तो आप ये देखते होंगे आईपीएल वगैरह, तो वीवो प्रो कबड्डी 2022 जीती दबंग दिल्ली ने, बिल्कुल सही है। आईपीएल 2021 चेन्नई ने जीता चौथी बार, और आईपीएल से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। ओलंपिक टॉप गोल्ड तो यूएसए और पहले स्थान पर था ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट में। क्वेश्चन इस टाइप से आएगा कि ओलंपिक में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल किस देश ने जीते, यूएसए चीन जापान या ब्रिटेन। नाउ नेक्स्ट है ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री भारत एक खोज बुक रिटन बाय, यानी किसने ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक लिखी है। तो आपसे चार ऑप्शन दे देंगे, राजेंद्र प्रसाद दे देंगे, जवाहरलाल नेहरू दे देंगे, महात्मा गांधी दे देंगे, और एक और कोई भी ऑप्शन आपको आ सकता है। तो ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और भारत एक खोजी पुस्तक लिखी है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री ने और भारत के पहले प्रधानमंत्री ने जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है आईएनसी के प्रेसिडेंट मतलब आपको बताना है कौन सा इसमें इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट है 1924 यानी 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। दूसरा है 1917 में एनी बेसेंट ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सेशन की अध्यक्षता की। इसके अलावा 1925 में सरोजनी नायडू ने अध्यक्षता की, 1939 में जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की। तो कौन सा गलत है, पहला 1924 बिल्कुल सही है, महात्मा गांधी ने एक ही अधिवेशन की अध्यक्षता की, वो हुआ था बेलगांव अधिवेशन। दूसरा एनी बेसेंट पहली महिला थी जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की। सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की। और चौथा है 1939 जवाहरलाल नेहरू, ये गलत है, जवाहरलाल नेहरू ने 1939 में नहीं, जवाहरलाल नेहरू ने कौन से लाहौर अधिवेशन में की, मतलब कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी,
1939 सेशन फेमस है और ये फेमस है सुभाष चंद्र बोस के लिए। सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड अभी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। इनके सुभाष चंद्र बोस ने जो नारे दिए इंपोर्टेंट बुक्स वगैरह ये आप पढ़ लीजिए। तो 1939 के सेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। नेक्स्ट है एमपी हाई कोर्ट चीफ जस्टिस कौन है? तो एमपी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं ऑनरेबल जस्टिस रवि मलिमथ, जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। तो पहले आपको एक आंसर बताना है, भारत के मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कौन थे। नेक्स्ट है इनकरेक्ट, आपको बताना है विच ऑफ दीज इनकरेक्ट। तो ऑप्शन में नाटो, WTO, WHO, GCC, और चारों न्यूज़ में थे। नाटो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन संगठन है, न्यूज़ में है। अभी यूक्रेन रूस का मैटर हो रहा है, इसमें नाटो न्यूज़ में है, और आपका एक यूरोपियन यूनियन वो भी न्यूज़ में है, तो उसका हेडक्वार्टर वगैरह उसकी पार्लियामेंट कहाँ पर है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं आपके MPCG में। तो नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है, ब्रुसेल्स कहाँ पर है? बेल्जियम, बिल्कुल सही है। WTO हेडक्वार्टर जेनेवा, बिल्कुल सही है। WHO का हेडक्वार्टर भी जेनेवा, बिल्कुल सही है। WTO WHO कोविड में न्यूज़ में थे। GCC का हेडक्वार्टर यहाँ पर बताया गया है जेद्दा सऊदी अरेबिया, जो गलत है। GCC का हेडक्वार्टर तो सऊदी अरेबिया में है, लेकिन जिद्दा में नहीं है, ये आपका है रियाद में। रियाद में है, राइट आंसर है। और जिद्दा में कौन सा है? जिद्दा में एक और है ऑर्गेनाइजेशन, मैं आपको बताता हूँ, OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, तो उसका है मतलब जिद्दा में, वो भी सऊदी अरेबिया में ही आता है। तो इनकरेक्ट बताना है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 फीफा फुटबॉल कहाँ ऑर्गेनाइज होगा? तो कतर में होगा, बिल्कुल सही है। कॉमनवेल्थ गेम 2022 कहाँ पर होंगे? बर्मिंगम में, ये भी बिल्कुल सही है। 2028 के ओलंपिक गेम कहाँ पर होंगे? तो ये US में होंगे, USA है, अमेरिका, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडिया में होगा, तो चारों सही हैं। नेक्स्ट है आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सजेशन दीजिए IPC, CRPC और एविडेंस में से किसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको करवाए जाएँ। नेक्स्ट है किनका संबंध मध्य प्रदेश से, आपको बताना है शंकर दयाल शर्मा, अटल बिहारी वाजपेयी, कैलाश सत्यार्थी, लता मंगेशकर, किशोर कुमार, सुषमा स्वराज। तो दोस्तों इन सभी का संबंध मध्य प्रदेश से, शंकर दयाल शर्मा ये भारत के राष्ट्रपति रहे थे 9वें नंबर के, अटल बिहारी वाजपेयी इनसे क्वेश्चन इसीलिए पूछे जाते हैं, शंकर दयाल शर्मा अटल बिहारी वाजपेयी से क्वेश्चन आपके MPCVL में आ सकते हैं, आपको इनको पढ़ना है। कैलाश सत्यार्थी नोबेल मिला था इन्हें, लता मंगेशकर हाल ही में निधन हुआ, और किशोर कुमार और सुषमा स्वराज, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किसने जीता? तो गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला यूपी की झांकी को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला, और उसे सर्वश्रेष्ठ चुना गया। नेक्स्ट है अटल बिहारी वाजपेयी को कब भारत रत्न दिया गया? तो अटल बिहारी वाजपेयी के संबंध मध्य प्रदेश से इसलिए पूछ लिया कि इन्हें भारत रत्न कब दिया गया, बाकी आपको पूरे पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो 2015, 2016 और 2021 और 2019, तो 2021 तो हो ही नहीं सकता, आपको पता है कि भारत रत्न अभी नहीं दिया गया है, 2019 में दिया गया था आखिरी बार। अब ऑप्शन में 15, 16 और 19, तो अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में भारत रत्न दिया गया था। नेक्स्ट है द रेस ऑफ माई लाइफ बुक इज रिलेटेड टू, द रेस ऑफ माई लाइफ जो पुस्तक है एक या आत्मकथा होगी जो भी है किससे रिलेटेड है द रेस ऑफ माई लाइफ? तो चार ऑप्शन है सेन वार्न और मिल्खा सिंह और यहाँ पर H छूट गया है, तो मिल्खा सिंह, लता मंगेशकर और कोबे ब्रायंट। तो पहले ये भी पूछा जा रहा था कई बार कोबे ब्रायंट का संबंध किस खेल से, न्यूज़ में थे एक साल पहले। तो द रेस ऑफ माई लाइफ बुक इज रिलेटेड टू, तो द रेस ऑफ माई लाइफ बुक ये संबंधित है मिल्खा सिंह से, सेन वार्न का भी हाल ही में निधन हुआ, और लता मंगेशकर का भी, तो इनसे रिलेटेड आप पढ़ लीजिए थोड़े फैक्ट। नेक्स्ट है हु इज द CEO ऑफ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO कौन है? तो अदार पूनावाला है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO हैं। नेक्स्ट है टू न्यू टीम्स इन IPL 2022, यानी IPL 2022 में दो नई टीमें कौन कौन सी होंगी? तो IPL वगैरह आप देखते हैं, इनके क्वेश्चन आप आंसर इजीली आप आंसर कर सकते हैं। IPL किसने जीता, कबड्डी, प्रो कबड्डी लीग वगैरह, तो ये आप देखते हैं, तो आप इनको इजीली आंसर कर लेंगे अगर क्वेश्चन आया तो। तो दो नई टीम हैं जो अहमदाबाद हैं और लखनऊ हैं। नेक्स्ट है भारत के संविधान में अभी तक कितने संशोधन हुए हैं? इजी क्वेश्चन है, इस टाइप से अब नहीं आएंगे, अब से क्वेश्चन यह आएगा कि 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, 105वीं संविधान संशोधन में क्या हुआ है, 104 में क्या हुआ, या 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ, इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कवर हो जाएंगे, GK में नहीं आएंगे। भारत के संविधान में अब तक कितने संशोधन हुए, तो देख लेते हैं, 105 अभी तक हुए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है KN बेतवा लिंक प्रोजेक्ट रिलेटेड टू MP एंड विच स्टेट, जो कैन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है जो काफ़ी न्यूज़ में है, ये मध्य प्रदेश और किस राज्य से संबंधित है? तो कैन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट बुंदेलखंड से मेनली संबंधित है, और यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है।
नेक्स्ट है स्मॉल पॉक्स वैक्सीन वाज डिस्कवर्ड बाय, तो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन मतलब इसकी डिस्कवर्ड किसने की थी, खोज किसने की थी, पहला है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, दूसरा है रॉबर्ट हुक, तीसरा है जे जे थॉमसन और चौथा है एडवर्ड जेनर। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आपने पढ़ा होगा पेंसिलिन से रिलेटेड, रॉबर्ट हुक वगैरह को आपने, रॉबर्ट हुक ये सेल वगैरह से रिलेटेड थे, जे जे थॉमसन को आपने केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ा होगा, और एडवर्ड जेनर है। तो इसका राइट आंसर है स्मॉल पॉक्स वैक्सीन वाज डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड जेनर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हाउ मेनी जजेस इन द केशवानंद भारती केस, तो ऑप्शन में है 9, 11, 13 और 15। तो केशवानंद भारती केस में कितने जजेस की, ऑनरेबल जजेस की बेंच थी, तो 9, 11, 13 और 15। तो इसका राइट आंसर है 13। तो इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो राइट टू प्राइवेसी वाला मैटर था वो रिटायर्ड जस्टिस के एस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें कितने जजेस की बेंच थी, मेनका गांधी वाले उसमें कितने जजेस की बेंच थी, या गोलकनाथ केस हुआ था उसमें कितने जजेस की बेंच थी। तो ये टाइप के क्वेश्चन आपसे आ सकते हैं। तो वीडियो को आप लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट है भारत में सबसे ज़्यादा FDI किस देश से आती है, तो यह क्वेश्चन आपको कमेंट में बताना है, यह क्वेश्चन आपके लिए है, भारत में सबसे ज़्यादा FDI किस देश से आती है। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मध्य प्रदेश सिविल जज एग्जाम के लिए GK के। तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो इसका आंसर अपन कब देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।